हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो टुडे हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर शुरू करेंगे, इसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के अंदर हमारे पास कुछ ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, कुछ ही मेन टॉपिक्स हैं, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैक्सिको ओलंपिक्स का केस स्टडी। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता क्या क्या है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज आइडियोलॉजी दैट डिस्क्रिमिनेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। तो स्किन कलर पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो जनरली ये देखा जाता है कि वाइट्स को सुपीरियर देखा जाता है ब्लैक्स के कंपैरेटिवली। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेक्सिको ओलंपिक्स का 1968। तो हमको पता है फ्रेंड्स, ओलंपिक्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो 200 मीटर जो मेन की स्प्रिंट रेस थी उसके अंदर जो टॉप 3 फिनिश कर रहे थे, फर्स्ट जिसने करा था टॉमी स्मिथ, सेकेंड जो थे वो थे पीटर नॉर्मन, और थर्ड जो थे वो थे जॉन कार्लोस। तो जो फर्स्ट एंड थर्ड थे फ्रेंड्स वो यूएसए के थे, और ये नीग्रोस थे, यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन थे ये लोग, तो ये ब्लैक्स थे। एंड ये तो सेकेंड आए थे पीटर नॉर्मन, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। क्या हुआ कि यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हिस्ट्री है ब्लैक्स के डिस्क्रिमिनेशन की, जब से स्लेव ट्रेड हो रहा था तब से। तो इन्होंने सोचा कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेकर जाना चाहिए, जो कि एक तरीके से गलत भी था, बट उन्होंने अपनी कंट्री में इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसकी अटेंशन गेनिंग के लिए ये सब करा। तो उन्होंने जब मेडल सेरेमनी होती है, जब उनका नेशनल एंथम बजता है, जो फर्स्ट आता है वो उसकी नेशन का, तो जब यूएसए का नेशनल एंथम बजा तो जो फर्स्ट और थर्ड आए थे टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, उन्होंने ब्लैक सॉक्स के साथ और नो शूज के साथ उन्होंने नेशनल एंथम अटेंड करा, जिससे कि वो ब्लैक पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे। फिर उन्होंने क्लिंच्ड फिस्ट और ब्लैक ग्लव्स को भी यूज़ करा, ताकि वो ब्लैक पावर मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ चुका है कि व्हाट इज ब्लैक पावर मूवमेंट। सो इट वाज अ मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1966 एंड टिल 1975। और इन्होंने बोला कि ब्लैक पावर मूवमेंट वालों ने कि वायलेंस करना भी सही है अगर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है तो। तो फ्रेंड नेक्स्ट अब पीटर नॉर्मन ने भी इनका सपोर्ट करा, बिकॉज उन्होंने ह्यूमन राइट्स बैच पहना था इनको सपोर्ट करने के लिए कि ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो रहा है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए फ्रेंड्स, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सिक्वेंस क्या हुए ये सब करने से उनके। तो सबसे पहली बात तो जो मेडल्स है टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस के, वो वापस ले लिए गए ओलंपिक एसोसिएशन के थ्रू, क्योंकि उन्होंने वायोलेट करा था ओलंपिक स्पिरिट को, उनको क्रिटिसाइज करा गया जब वो वापस यूएसए में गए। और पीटर नॉर्मन को अगली टीम में अगली बार उनका मेडल वापस नहीं लिया गया, बट अगली बार उनको इंक्लूड नहीं किया गया ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर। एंड बट अटेंशन टुवर्ड्स सिविल राइट मूवमेंट्स इन यूएसए, जो यूएसए के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसकी साइड सबकी अटेंशन चली गई एक बार के लिए, तो इसकी वजह से उनको बहुत फायदा हुआ। तो ये थी हमारी मेक्सिको ओलंपिक्स की फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी और कई बार इसमें से क्वेश्चन आ चुका है। सो फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, सोशल डिवीजन क्या होता है, जब वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर, मतलब लोग अपने आप को सिक्लूड करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग देखना शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजह से डिवीजन आना शुरू हो जाता है सोसाइटी के अंदर। आई होप कि आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो दो टाइप के सोशल डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस आना कोई बुरी बात नहीं है, बट डिवीजन आना बुरी बात हो जाती है फ्रेंड्स। तो डिफरेंस किस बात पे आ सकते हैं, एक तो या तो बर्थ के ऊपर या फिर उनकी प्रेफरेंस के ऊपर, कि मतलब बर्थ से या तो वो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, तो उसकी उस पर भी डिफरेंस आ सकता है, या फिर वो क्या करते हैं उससे भी डिफरेंस आ सकता है, लाइक कोई इंजीनियर बनता है तो कोई डॉक्टर बनता है, तो उसकी वजह से भी उनके बीच में डिफरेंस आ सकता है। बट फ्रेंड्स, ये डिविजन नहीं है, ये बस एक डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस होता क्या है। ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ डिविजन्स एंड टेंशन्स एंड एलियनेशंस। तो जब एक सोशल डिफरेंस दूसरे सोशल डिफरेंस को ओवरलैप कर जाता है तो उसको कहते हैं हम ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस। तो उसकी वजह से डिविजन और टेंशन्स हो सकती हैं सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस क्या होता है, आर इजियर टू अकोमोडेट, वो इजियर होते हैं अकोमोडेशन में, तो उनमें ज़्यादा अच्छे से सोसाइटी चल सकती है हमारी। एंड सोशल डिविजन्स कैन एज वन पार्ट ऑफ मोर देन वन। ये देखिए फ्रेंड्स कि एक बंदा ही एक ए सोशल डिफरेंस के अंदर है, लेकिन दूसरे बंदे के साथ बी सोशल डिफरेंस में है, तो क्रॉस कटिंग हो जाता है, तो इतना बहुत मुश्किल हो जाता है सोशल डिविजन के लिए कोई बेसिस फाउंड करना। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। इसकी वजह से
इसमें इजी टू अकोमोडेट होता है ये। नेक्स्ट फ्रेंड्स वी हैव पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन। पॉलिटिक्स सोशल डिवीजन क्या है फ्रेंड्स? कॉम्पिटिशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज रिगार्डिंग अनसेटलिंग सोशल डिवीजन कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। तो आप देखिए फ्रेंड्स कि हम कई बार सुनते हैं कि इस वाली पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पर रायट्स करा दिए, अगर पॉलिटिकल रायट्स करा दिए। किस लिए कराते हैं वो? एक तरीके से उनकी मोबिलाइजेशन टेक्निक है, जो कि वो सोशल डिफरेंसेस का फायदा उठाते हैं उनको सोशल डिवीजन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बुरी बात है फ्रेंड्स। अगला हमारा टॉपिक आ जाते हैं फ्रेंड्स, रेंजेस ऑफ आउटकम्स। आर ये फ्रेंड्स मोस्टली ये केस स्टडीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। इससे आपका आंसर भी एनहांस होगा और आपके आंसर को एक अच्छी लुक मिलेगी, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में इन डिटेल पता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं हम। इन नॉर्दर्न आयरलैंड थाउजेंड्स वर किल्ड इन फाइट बिटवीन यूनियनिस्ट प्रोटेस्टेंट्स एंड नेशनलिस्ट विद वर कैथोलिक एंड यूके फोर्सेज एंड नेशनलिस्ट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्दर्न आयरलैंड एक कंट्री है जिसके अंदर दो टाइप के क्रिश्चियंस होते हैं, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स। तो प्रोटेस्टेंट्स यूके के साथ मर्ज होना चाहते थे क्योंकि यूके के अंदर ज्यादा प्रोटेस्टेंट्स हैं, और कैथोलिक जो थे वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ मर्ज होना चाहते थे क्योंकि उसके अंदर ज्यादा कैथोलिक्स हैं। तो इसकी वजह से फाइट हुई, तो उसके उसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमंग एथनिक एंड रिलीजियस डिसइंटीग्रेशन एंड इनटू सिक्स कंट्री। तो अगर ये देखिए फ्रेंड्स, यूगोस्लाविया था जो एक बड़ा कंट्री था पुराने टाइम में, तो उसको उसके बीच में डिफरेंसेस हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसकी वजह से सिक्स कंट्रीज में उसको स्प्लिट करना पड़ा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सोशल डिवीजन अफेक्ट्स द इलेक्शन, वोटर प्रेफर वन पार्टी ओवर अदर। अब देखिए फ्रेंड, जो भी सोशल डिवीजन का फायदा उठाता है तो वोटर का सपोर्ट उसके साइड ऑटोमेटिकली चला जाता है, तो एक तरीके से ये भी इलेक्शन में भी बायस क्रिएट हो जाता है एक तरीके से। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, हाउएवर सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन इज रिस्पेक्टेड। तो फ्रेंड अगर हम दूसरे का सोशल डिफरेंस को रिस्पेक्ट करते हैं तो डिसइंटीग्रेशन नहीं हो सकता है नेशन का, क्योंकि हम दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को सुपीरियर नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास ये तीन डिटर्मिनेंट्स हैं पता करने के लिए कि एक नेशन कैसे चल रही है या फिर उसके बीच में सोशल डिफरेंस है कि नहीं है ज्यादा तरीके अच्छे तरीके से या फिर नेगेटिव तरीके में कह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और इसमें भी बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो तीन डिटर्मिनेंट्स है फ्रेंड्स। पहला डिटर्मिनेंट है कि हाउ पीपल सी देयर आइडेंटिटी। पीपल अपनी आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं उससे बहुत डिपेंड करता है कि उस नेशन का डिसइंटीग्रेशन होना आसान है या मुश्किल है। अब आप देखिए कि एक्सक्लूसिव टर्म्स में अगर देखता है बंदा कि मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं सिर्फ हिंदू हूँ बट इंडिया का पार्ट उतना इंपॉर्टेंटली नहीं हूँ, तो सोशल डिवीजन आना बहुत आम बात है। बट अगर हम देखते हैं लाइक इन बेल्जियम, उन्होंने डच एंड फ्रेंच तो देखा ही अपना आइडेंटिटी को, बट उन्होंने बेल्जियन की तरह ज्यादा देखा अपनी आइडेंटिटी को, तो वहां पे अकोमोडेशन करना आसान हो गया। तो एक्सक्लूसिव टर्म्स में हमारे पास नॉर्दर्न आयरलैंड एग्जांपल है और इंक्लूसिव टर्म्स में हमारे पास बेल्जियम एग्जांपल है। सेकंड हमारा आया था फ्रेंड, द डिमांड्स दैट आर विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आर इजियर टू अकोमोडेट। अब आप देखिए कि फ्रेंड्स अगर कोई कोई एथनिक ग्रुप या फिर कोई डिमांड करे जो कि दूसरी एथनिक ग्रुप को हार्म कर रहा हो, तो इसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर है और दूसरी एथनिक ग्रुप्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो इजियर टू अकोमोडेट होते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स कि डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट, कितने अच्छे से गवर्नमेंट देखती है उसको, कितने अच्छे से वो रिएक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। फाइनली फ्रेंड, जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है सोशल डिविजन का या फिर सोशल डिफरेंसेस का, हम कह सकते हैं एक तरीके से, अगर सोशल डिफरेंसेस पॉलिटिकल एक्सप्रेशन करेंगे तो उनके मार्जिनल ग्रुप्स हैं कई सारे, उनको भी अपना बात को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, उनको भी अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, तो ये एक तरीके से हेल्दी हो सकता है किसी डेमोक्रेसी के लिए। बट डिवीजन होकर अगर हम डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो वो हेल्पफुल नहीं होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए एंड प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। और भी एसएसटी की वीडियोस अभी जल्दी से जल्दी आने वाली हैं और अभी फिर हम प्रैक्टिस पेपर्स भी करने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।